हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपडेट जाना स्पोर्ट फ्रेंड क्रिकेट में। मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड बड़े बड़ी खबरें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अचानक फ्राइड में किया, अचानक फ्राइड से बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको शुरू मिल सके। पहले बड़ी खबर करो करके खबर निकल के आ रही सचिन तेंदुलकर के हवाले से बात की बड़ी खबर। और बुरी खबर निकल के आ रही कि सचिन तेंदुलकर टेस्टेड पॉजिटिव आने के बाद, यानी 6 दिन के बाद, पॉजिटिव आने के 6 दिन बाद वो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही। इस वक्त की बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर हर्ष हॉस्पिटल में है और इस वक्त उनको टेस्टेड पॉजिटिव पाया गया था 6 दिन पहले। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। इस वक्त की बड़ी खबर और बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही इयान मॉर्गन के हवाले से। वक्त की बड़ी खबर, इयान मॉर्गन के मुताबिक इंडियन क्रिकेटर बहुत ही पसंद करते हैं कि वो अगर द हंड्रेड में उनको एलो किया जाता है तो वो बहुत ही खुश होंगे। उनके मुताबिक, इयान मॉर्गन के मुताबिक इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं वो बहुत ही खुश होंगे अगर उनको द हंड्रेड में एलो किया जाएगा जो जुलाई अगस्त में इंग्लैंड में खेली जाएगी। अभी तक बीसीसीआई ने उस पर कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं दी है कि इंडिया के खिलाड़ी द हंड्रेड में खेलेंगे या नहीं। अभी तक कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं आई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इयान मॉर्गन के मुताबिक कि उनके मुताबिक बहुत ही ज़बरदस्त उनको खुशी मिलेगी अगर उनको 100 में खिलाया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही शाकिब अल हसन के हवाले से। वक्त की बड़ी खबर, शाकिब अल हसन के मुताबिक अगर 2023 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनती है तो वो 2027 के फिफ्टी फिफ्टी वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे। उनके मुताबिक अगर 2023 में बांग्लादेश की टीम जीत जाती है तो वो 2023 में ही रिटायरमेंट दे सकता है, लेकिन अगर 2023 में हम नहीं जीत पाए तो 2027 के वर्ल्ड कप में भी वो खेलते हुए दिखेंगे। कहना है शाकिब अल हसन का। और चौथी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही मोहम्मदुल्ला के हवाले से। आज की बड़ी खबर, बांग्लादेश के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज मोहम्मदुल्ला के मुताबिक बांग्लादेश को चाहिए कि न्यूजीलैंड सीरीज वो बहुत ही उनको फारगेट करनी चाहिए, उनको बोलनी चाहिए। क्योंकि जो अगर बात की जाए इस वक्त की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बांग्लादेश की टीम गई थी वो बुरी तरह से वहाँ पर हारी थी। और अगर आखिरी मैच की बात की जाए तो सिर्फ 76 रनों पर ही बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो गई थी। उनके मुताबिक सबसे बड़ी बात होगी कि अगर इस सीरीज़ को बुलाकर जो आने वाली सीरीज़ होगी वहीं पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ना कि इसी सीरीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कहना है मोहम्मदुल्ला का। और पांचवी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही चेन्नई सुपर किंग के सीईओ के हवाले से। इसकी बड़ी खबर, चेन्नई सुपर किंग के सीईओ के मुताबिक जो जोज हेजलवुड आईपीएल से बाहर हो गए हैं उनके मुताबिक उनकी रिप्लेसमेंट बहुत ही जल्द होगी। उनके मुताबिक 2-3-4 दिनों में इसकी रिप्लेसमेंट भी आ जाएगी। अभी तक किसी भी खिलाड़ी से बात नहीं हुई, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि 3-4 दिनों में पूरी तरह से तय हो जाएगा कि जोज हेजलवुड की जगह पर कौन लेगा। ये अभी तक कुछ कन्फर्मेशन नहीं आई है। कहना है चेन्नई वर्किंग के सीईओ का। और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप खुशी मिल सके। थैंक यू।